तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक्निकल अमन टू चैनल में। तो यदि आपका भी इंटरनेट बैंकिंग नहीं है आपके पास और आपको इंडियन बैंक में खाता मतलब अपना अकाउंट का डेबिट कार्ड बनवाना है तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बना सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं आप तुरंत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी अपना घर बैठे अपने मोबाइल से ही डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े। बैंक जाते हैं तो आप लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर फॉर्म भरवाया जाता है और काम भी नहीं होता है अच्छे से। तो हम आपको तरीका बताते हैं कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके जो अकाउंट है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सिंपली हम अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इंडियन बैंक टाइप करना है। तो यहाँ पर सिंपली इंडियन बैंक जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन आ जाएगा जो इंडियन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले इलाहाबाद बैंक था बट अब इंडियन बैंक हो गया, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही खोलेंगे तो आपको मोबाइल में इस तरह से खुलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप साइट में कर सकते हैं और आपको यहाँ पर थ्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने पॉपअप आ जाएगा, मतलब और भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सिंपली एक यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, रिक्वेस्ट ए कॉल बैक, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एग्जिटिंग जो यूज़र है उसको आपको यस किए रहना है, मतलब आपका अकाउंट पहले से उसमें है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर को टाइप कर देना है। तो हम अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देते हैं। आपको अपना अकाउंट नंबर सही सही लिखना है, फिर उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके जो खाता होगा जो भी नंबर लिंक होगा उसमें आपको एक मैसेज चला जाएगा, तो आपको सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। तो हम अपना मैसेज देख लेते हैं एक बार। तो आपको सिंपली इस पर सबमिट पर क्लिक करना है। आपको जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका एड्रेस उड्रेस जो भी हो जाता है वो आ जाएगा आपके सामने। आपको यहाँ पर सिंपली अपना नाम लिख देना है अगर आपका नहीं आता है मैनुअली तो, और अपना यहाँ पर आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो अपना यहाँ पर ईमेल आईडी दे रहे हैं, और आपको अपना एरिया का जो पिन कोड होता है उसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और यहाँ पर अपना ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका ब्रांच हो। तो मेरा यहाँ पर कैलहट बाजार है तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टेड इन में आपको यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप चूज क्या करना है हम आपको बता देते हैं। आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर रिप्लेस ऑफ डेबिट कार्ड। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर रिप्लेस ऑफ डेबिट कार्ड, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक कॉल आएगा, तो यहाँ पर आप उसको चूज कर सकते हैं कि आपको कॉल मॉर्निंग में आएगा या आफ्टरनून मतलब दोपहर में या शाम को। तो आप कोई भी सभी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपको कॉल आएगा क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आपने अप्लाई किया है डेबिट कार्ड के लिए, तो आपको हाँ उस पर जो भी आपसे पूछा जाएगा वो उसको आपको बता देना है, तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली इस पर सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो फिर से देख लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं, और यहाँ पर सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं हम। तो आपके सामने एक
जो ट्रैकिंग आईडी है वो आ जाएगा, तो आप पर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, और आपके मैसेज पर भी चला जाएगा, मतलब आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको कॉल आएगा, और जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी आपको वहाँ पर बता देनी है। आपका डेबिट कार्ड आपको अप्लाई कर दिया जाएगा और कुछ ही दिन में आपके घर पर आ जाएगा। और जो आपको ट्रांजैक्शन मतलब ट्रैक करने की आईडी मिली है, तो उसको आप यहाँ पर देखिए, एक आपको ऑप्शन मिलता है स्टेटस चेक करने का, यहाँ पर व्यू स्टेटस, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके वहाँ पर इसमें टाइप करके आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह से आप अपना डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, एटीएम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, अपना घर बैठे हैं आपको बिना बैंक जाए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, और अपना इस चैनल को दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस तरह की वीडियो की जानकारी ले सकें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।